एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की एप्लीकेशंस, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, यूजेस क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है, और इसके हम लोग डिफ्रेंशिएशन बेस्ड कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेटिव से। सो एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द चेंज इन द फंक्शन टू द चेंज इन द इनपुट एज द चेंज इन द इनपुट अप्रोचेस टू जीरो। सो इसके हम लोग देखें कि अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन होगा, सो लेट अस टेक दैट आई एम हैविंग अ फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 टाइम एक्स। अब इसमें मैं देखूंगा, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मुझे देखना है कि अगर मैं कोई इनपुट एक्स दे रहा हूं एक पर्टिकुलर फंक्शन वाई को, जहां पर्टिकुलर फंक्शन को, तो उसमें मेरे आउटपुट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। सो इट इज द रेशियो बिटवीन दीज टू। अब मैं देखूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं, तो एक्स मेरा क्या होगा? हमेशा इनपुट होगा, जिसकी वजह से मेरा क्या आ रहा है, वाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 टाइम एक्स है। सो डी वाई बाई डी एक्स में देखूंगा तो एक्स रेज टू पावर एन का हो जाएगा 2x प्लस 2.5। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन की बात करूंगा तो डिफ्रेंशिएशन के केस में अगर मैं क्या करता हूं, वेरिएबल के आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या करता हूं, देखता हूं कि कितना इनपुट चेंज करूंगा और मेरा आउटपुट चेंज होगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेरिवेटिव। अभी मैंने जो फंक्शन करा था प्लॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 टाइम एक्स, तो ये इसका ग्राफिकल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। उसके एक मैं छोटे से पार्ट को ले लेता हूं। अब छोटे से पार्ट को जब मैं देखूंगा कि y एक्सेस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट वेरिएबल, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। और ये जो एक्चुअली इनके बीच में लाइन रिप्रेजेंट करी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्लोप, विच इज इक्वल टू डी बाई बाई डी एक्स। और ये डायरेक्टली हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा बाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो बेसिकली क्या शो कर रहा है ये, कि मेरा परपेंडिकुलर में कितना चेंज हुआ और बेस में कितना चेंज हुआ और वर्टिकल में कितना चेंज हुआ एज पर चेंज इन हॉरिजॉन्टल, हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, इट मीन्स दैट चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेरिवेटिव। अब बात करूंगा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन रीचेस इट्स हाईएस्ट वैल्यू विद इन अ सेंट्रल इंटरवल, ओ सॉरी सर्टेन इंटरवल। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूंगा, तो अगर मेरे पास ये फंक्शन है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूंगा, तो इस इंटरवल के अंदर मेरा क्या है, हाईएस्ट वैल्यू जो रीच करी है, अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेस पे प्लॉट करता हूँ, दो पॉइंट्स के बीच में हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू रीच करी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मैक्सिमा। अ फंक्शन मे हैव वन और मोर लोकल मैक्सिमम पॉइंट विद इन अ इंटरवल। अब इसमें देखेंगे तो मेरे पास एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा ये है, विल हैव वन और मोर लोकल पॉइंट्स एंड अ ग्लोबल मैक्सिमम इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द फंक्शन ओवर द एंटायर डोमेन। अगर मैं बात करूंगा, थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। सो डोमेन में अगर देखूंगा तो डोमेन में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर मैं यहां बात करूं कि एक पॉइंट ओवर था, तो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, पूरी डोमेन के अंदर मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा। और एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर मैं फाइंड करता हूं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा। सो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट द फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यूजिंग डिफरेंशिएशन ओनली वर्क्स इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर द इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बात करूंगा मिनिमा की।
सो मिनिमा के केस में हमारा क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू रीच करेगा विद इन अ सर्टेन इंटरवल। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट्स होंगे उस इंटरवल में, और जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो लोएस्ट पॉइंट होगा ओवर इंटायर डोमेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे, सो इस केस में मेरे पास ये दो पीक्स हैं जो क्या है मेरे मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, और ये है जो मेरी मिनिमम वैल्यू की दे रहा है, तो इनमें से ये मिनिमा हो जाएगा, और ये जो दो पॉइंट्स है इसके बीच में मैक्सिमा हमेशा ये वाला हो जाएगा उस पर्टिकुलर डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सो बेसिकली व्हाई वी नीड मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो इट इज यूज टू ऑप्टिमाइज द वैल्यूज। सो इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन टू ऑप्टिमाइज सम प्रोसेस आउटकम्स। अब इसमें बात करूंगा कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर अपना देखना है कि कितना प्रॉफिट वो क्या करे बना सकता है डिफरेंट इनपुट यूनिट्स को लेके, सो ही कैन यूज मैक्सिमम और मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना है, उसके काम आ सकता है, टर्निंग पॉइंट्स वगैरह हैं किसी को प्लॉट कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें काम आ सकता है, कर्व स्केचिंग में बहुत काम आता है कि किसी कर्व को एकदम क्या करना है अप्रोक्सीमेट करके एक्यूरेटली मेजर करना है, तो उस चीज के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम। अप्लाइड साइंसेस वगैरह में काम आता है, ठीक है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट मेथड्स वी यूज फॉर डिफरेंशिएशन, बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में काम आते हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, आरके मेथड, इनमें से बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होगा, विद इन अ पर्टिकुलर रीजन के बीच में होगा, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन है, तो उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर मैं क्या करता हूँ देखता हूँ, तो उस इंटरवल के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ग्लोबल की बात करूंगा तो टोटल डोमेन के बीच में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा, और ओवरऑल जो ग्लोबल में क्या होगी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा। जब भी ग्लोबल की बात करेंगे ग्लोबल एंटायर डोमेन के बारे में होगा, और अगर मैं लोकल की बात करता हूं तो एक पर्टिकुलर रीजन में होगा या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज होती क्या है। सो एक्चुअली डोमेन क्या शो करता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल है, दैट इज मे बी इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सो डोमेन की बात करूंगा, इट इज एक्चुअली ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अगर मैं किसी चीज को देखना चाहता, रिप्रेजेंट करना चाहता 2D ग्राफ में, सो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल जितनी भी रेंज है आइदर ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डोमेन। और फंक्शन ने जो एक्चुअली लिमिट और वाई एक्सेस जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द रेंज, द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स। इस केस में हम लोग बात करेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो डोमेन की बात करूंगा, डोमेन एक से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, और रेंज की बात करूंगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 1, सो आउटपुट विल बी 1, इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू 2, आउटपुट विल बी 4, 9, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेंज एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डोमेन। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूंगा, सो -3 -2 1 0 2 3, तो डोमेन हो जाएगा मेरा नेगेटिव -3 से +3, और जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट। सो एक्चुअली इस केस में बात करूंगा, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी मेरे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा तो फंक्शन को क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाय बाय डी एक्स, और उसको इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ। अब 0 के साथ इसको क्यों इक्वेट करते हैं, सो लेट अस टेक दैट वी आर हैविंग अ फंक्शन
अब डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या शो करता है, स्लोप। सो जिस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। सो इस फंक्शन में देखूं तो मेरे पास स्लोप जो आ रहे हैं, इस पॉइंट पे डी वाई बाय डी एक्स कितना है, जीरो है। इस पॉइंट पे डी वाई बाय डी एक्स कितना, जीरो है। और इस पॉइंट पे डी वाई बाय डी एक्स कितना, जीरो है। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल में मेरे पास क्या आ गए, तीन पॉइंट्स आ गए जहां पे मेरा क्या था, डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो था। तो इन तीन पॉइंट पे स्लोप्स जीरो है। अब मैं फाइंड करूंगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास जो भी वैल्यू होगी, लेट अस टेक दैट x1 x2 और x3 आर द वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि जो फर्स्ट अपना पॉइंट था, उस पॉइंट पे जो स्लोप है उसने किस तरीके से बिहेव करा। सो एक्चुअली व्हाई वी नीड डबल डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई वाई डी एक्स। सो अब मैं देखूंगा कि जो अपना स्लोप था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे वेरी कर रहा है। अगर मैं इसको क्या करूं, मैक्सिमाइज करूं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो इस फंक्शन पे यहां पे स्लोप क्या है, जीरो है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इनिशियल पॉइंट से देखूंगा तो स्लोप मेरे पास ये था, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे जीरो हो गया। जीरो होने के बाद नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो इसका मतलब पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो था वो जीरो से बड़ा था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट जहां पे हमारा क्या था, हमें क्या डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो मिला, उसके बाद एकदम से स्लोप क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ने क्या कर दिया, नेगेटिव में चला गया। सो जैसे ही हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव की तरफ जाएगा, सो उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। सो इट मींस दैट टू फाइंड अ मैक्सिमा वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन, एंड इफ द फंक्शन इज हैविंग अ वैल्यू लेस देन जीरो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मिनिमा की, सो मिनिमा की बात करूंगा तो मिनिमा के केस में क्या होगा, अगर मैं फिर से वही फंक्शन ड्रॉ करता हूं, यहां पे अपना डी बाय बाय डी एक्स जो था वो क्या था, जीरो था। डी बाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो स्लोप एकदम से नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आने के बाद जीरो हुआ, जीरो होने के बाद एकदम से क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप जैसे ही क्या होगा, डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव आ रहा था, जैसे इसने क्या करा, पॉइंट रीच करा, उसके बाद से एकदम से स्लोप ने क्या कर दिया, डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव में चला गया। सो जब भी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो पॉइंट क्या होगा, अपना मिनिमा। ओके, एंड इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अगर ना क्या है अपना, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, और अगर डबल डेरिवेटिव अपना जीरो है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ना नेगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, और अगर जीरो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।